हेलो फ्रेंड्स, आज हम किसी फलन का किसी अन्य फलन के सापेक्ष अवकल गुणांक कैसे करते हैं, ठीक है, वो देखेंगे। इसके बाद क्या देखेंगे, उसके जो कुछ एग्जांपल होंगे वो देखेंगे, ठीक है। मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एनअदर फंक्शन, ठीक है। ये जो टॉपिक है ये आपका क्लास ट्वेल्थ जो है, आप NCERT मतलब CBSE बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो आपके इंडिया में, ठीक है। अब तो लगभग कुछ बोर्डों का तो सिलेबस लगभग सेम ही है, ठीक है। तो वहाँ आपको ये मेथड आपको मतलब कि सिलेबस में है, और जो BSc फर्स्ट ईयर है आपका, ठीक है, BSc फर्स्ट ईयर है उसमें भी आपका ये सिलेबस में है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आप क्लास ट्वेल्थ और BSc के जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए हेल्पफुल होंगे, ठीक है, मतलब कि उनके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम टेक्निक देखते हैं, ठीक है, मेथड कि कैसे हम किसी फलन का किसी अन्य फलन के सापेक्ष अवकल गुणांक करेंगे, ठीक है। पहले मेथड देखते हैं और इसके बाद कुछ एग्जाम्पल आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके बताएंगे कि इसी तरीके से हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम मेथड देख लेते हैं, आपके मेथड क्या है, ठीक है, चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपका कोई फंक्शन है, ठीक है, y=f(x), ठीक है, y=f(x) है फलन है, और कोई अन्य फलन है, मान लीजिए यहाँ कोई और फलन हम ले लेते हैं, यू ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, और u जो लिया तो क्या हो गया, φx हो गया, ठीक है। जब u लिया तो u φx, ठीक है। देखिए ये जो आपका फलन है, ठीक है, y x का फलन है, और यहाँ जो u है ये किसका फलन है, x का फलन है, ठीक है। मतलब जो y है x का फलन है, और जो आपका u है वो भी x का फलन है। तो हम यहाँ करना क्या चाहते हैं, जो हमारा फलन है y, ठीक है, y को हम u के सापेक्ष अवकलन करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, जो हमारा फलन y है इसे हम u के सापेक्ष अवकलन करना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, सबसे पहले हम जो आपका फलन है इसे अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो d dx ऑफ y इक्वल क्या हो जाएगा, f'x, मतलब मान लिया हमने ये अवकलन हो गया, ठीक है, f'x हो गया, और ये वाला जो फंक्शन है आपका इसे भी हम किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष ही करेंगे, ठीक है। तो d dx ऑफ u इक्वल क्या मिला, φ'x मिला, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आएगा यहाँ तक, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमें निकालना क्या है वो ध्यान देंगे, ठीक है। तो हमें निकालना है d du ऑफ y, मतलब जो y है y को हम u के सापेक्ष अवकलन करना चाहते हैं, ठीक है। मतलब वी वुड लाइक टू इवॉल्युएट द डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u, ठीक है। मतलब जो आपका y है y को हम u के सापेक्ष अवकलन करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए इसमें इससे क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। मतलब d dx ऑफ y बाई d dx ऑफ u, d dx ऑफ u हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए d dx ऑफ जो y है वो क्या है, f'x है, तो f'x जो आप अवकलन किए रहेंगे, बाई d dx ऑफ u क्या है आपका, φ'x, तो हमने क्या लिखा, φ'x। मतलब सीधा सा मतलब है कि कोई फलन है किसी फलन को किसी अन्य फलन से आपस यदि हम अवकलन करना चाहते हैं, तो पहले वाले का जो आपका स्वतंत्र चर है मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसे सापेक्ष करेंगे, और सेकेंड फंक्शन का भी हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल सापेक्ष क्या करेंगे, मतलब कि अवकलन कर देंगे, ठीक है। इसके बाद पहले वाले में दूसरे से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वही हमारा क्या होगा कि एक फलन का किसी अन्य फलन के सापेक्ष अवकलन होगा, ठीक है। चलिए हम आपको कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं और इसके बाद बताते हैं, ठीक है, कि एक फलन का किसी अन्य फलन सापेक्ष कैसे अवकलन करते हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। प्रॉब्लम क्या लिखा है, डिफरेंस मतलब डिफरेंशिएट x पावर साइन इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स x, ठीक है।
मतलब ये जो है आपका एक्स पावर इनवर्स एक्स है, इस फलन को साइन इनवर्स एक्स के सापेक्ष हमें क्या करना है, अवकलन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे इस फंक्शन को हम क्या मान लेंगे, वाई मान लेंगे, उसे यू मान लीजिए, या तो आप इसे यू मान लीजिए, उसे वी मान लीजिए। ठीक है, आपकी जैसी इच्छा रहे। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, लेट वाई इक्वल एक्स पावर साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, यहाँ इसे वाई मान लिया और इसे क्या मान लेते हैं हम, उसे यू मान लेते हैं। ठीक है, यू इक्वल साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, एंड लिख देंगे। अब क्या करते हैं हम, इसे एक्स साफ क्या करेंगे, पहले हम लॉग ले लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे टेकिंग लॉगरिदम बोथ साइड, टेकिंग लॉगरिदम बोथ साइड वी हैव, बोथ साइड वी हैव। ठीक है, मतलब दोनों पक्षों हम क्या ले लेते हैं, लॉग ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो वाई है क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ, सॉरी नहीं, पहले हम लॉग ले रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग वाई हो जाएगा। ठीक है, इक्वल साइन इनवर्स एक्स कहाँ चलाएगा, पहले चलाएगा साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, और लॉग एक्स, तो ऐसा रहा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए ये दो फलनों का गुणनफल हुआ, क्या हुआ, दो फलनों का गुणनफल। तो हम क्या करते हैं, इसे चाहे फर्स्ट मान लीजिए, चाहे आप इसे किसी को भी मान सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड करके मान सकते हैं, या तो आप इसे फर्स्ट मान लीजिए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब दोनों पक्षों को हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग ठीक है, ऑन बोथ साइड वी हैव, ऑन बोथ साइड वी हैव। ठीक है, हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, लॉग वाई का यदि हम बात करें तो लॉग वाई का क्या हो जाएगा, तो वन बाई वाई हो जाएगा, और वाई का एक्स से सापेक्ष क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड करके लेंगे तो दो फलों का गुणनफल है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक है, तो पहला वाला जैसा है ऐसा ही लिखते हैं, और दूसरे का क्या करेंगे, सेकेंड फंक्शन का अवकलन, ये हो गया, प्लस दूसरा फलन इंटू प्रथम फलन का अवकलन, आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो लॉग एक्स लिख लिया, साइन और सेक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, वन बाई अंडर रूड वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो गया, लॉग एक्स अपॉन अंडर रूड वन माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सी से सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये जो यहाँ भाग में है कहाँ चला जाएगा, इधर गुणे में चला जाएगा। ठीक है, मतलब डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, वाई इक्वल वाई हो गया, और यहाँ क्या हो गया, इसका आप चाहे इसके मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। ठीक है, नहीं तो ऐसे ही रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ठीक है, या तो अभी हल करेंगे तो हो जाएगा, तो इसका इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, क्या यहाँ साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, अपान एक्स, और आगे देखिए प्लस है, प्लस एक्स का इसमें मतलब हो जाएगा मल्टीप्लाई, मतलब कि एलसीएम लेकर, आप जानते हैं एलसीएम लेकर सॉल्व कर रहे हैं, तो एक्स आया और क्या आया, लॉग एक्स, और नीचे दोनों दिग्गज आ जाएंगे भाई साहब, एक्स और वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब देखिए, आप चाहे तो वाई के स्थान पर जो माना है वो लिख सकते हैं। ठीक है, वाई का माना है अपने एक्स पावर साइन इनवर्स एक्स, ये आपका क्या है, फंक्शन है जो आप क्या मान चुके हो, मान चुके हो। ठीक है, तो एक्स पावर क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए आपको जो यू बराबर साइन इनवर्स एक्स है, यू बराबर क्या है, साइन इनवर्स एक्स। अब यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट, तो क्या हो जाएगा यहां, तो थोड़ा सा इसे इधर कर दें, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ, क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ यू इक्वल क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स का क्या होता है, वन बाई अंडर रूड वन माइनस एक्स स्क्वायर, यही है। अब क्या करें, देखिए वाई को हम यू के सापेक्ष क्या करना चाहते हैं, डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं, मतलब अवकलन। ठीक है,
तो इसके लिए क्या करेंगे, आप जानते हैं अभी मेथड बताया, वर्किंग रूल बताया हमने, तो डी डी यू ऑफ वाई, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले डी डी एक्स ऑफ वाई बाई डी डी एक्स ऑफ यू, ठीक है, मतलब डिवाइड कर देंगे, आप समझ पा रहे हैं। देखिए ये हमने निकाला डी डी एक्स ऑफ यू वाई, अभी हमने निकाला है तो इतना आया है, ठीक है, कितना आया, इतना सारा। तो पहले लिख लेंगे ये जो जो लिखा है, एक्स लिखा हमने, एक्स सॉरी हाँ एक्स है, एक्स पावर साइन इनवर्स एक्स है, और यहाँ बड़े से ब्रैकेट में क्या लिखा है, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स है तो साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस है तो प्लस एक्स लॉग एक्स, तो हमने क्या लिखा, एक्स लॉग एक्स लिखा अपॉन एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो लिखा हमने एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपॉन क्या है, वन बाई अंडर रूट, ठीक है, क्या हो गया वन बाय, देखिए डी डी एक्स ऑफ यू कितना है, यहाँ देखिए डी डी एक्स ऑफ यू वन बाय अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, लिखा वन बाय अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये भैया और ये भैया छोड़कर चले जाएंगे, देखिए ये और ये गायब हो जाएगी, ये मतलब कि अपान का अपान है तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और ये भैया छोड़कर हमें चले जाएंगे, तो इसका जो रिजल्ट आया क्या आया, ये एक्स पावर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, और ब्रैकेट में अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स अपॉन क्या नीचे बचा एक्स, ठीक है, तो ये आपका क्या रहा, रिजल्ट रहा, आई होप आप सबको समझ में, ये तो ये आपका क्या रहा, रिजल्ट रहा, तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है, ये समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ओके, थैंक यू।